राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये संतान साथी हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें संतान साथी का ब्लॉग शूट किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सबसे बड़ी सिस्टर, हम तीन बहनें हैं, उनमें से हमारी ये बड़ी सिस्टर है और इनका एक छोटा वाला लड़का है, अभी हुआ था, एक महीने का नहीं हुआ है अभी ये लड़का। और ये है खुशी, ये हमारी सबसे छोटी बहन है, लेकिन हमसे बड़ी लगती है। सब लोग बोलते हैं खुशी बड़ी लगती है तुमसे। और ये हमारी मम्मी, इन मम्मी ने हमारी आटा मार कर रख दिया है, पुए का मीठा वाला। तो फ्रेंड्स, ये हमारा होम है मायके का। और ये देखो फ्रेंड्स, हमारी आरबी बैठी हुई है, खेल रही है, कुछ खा रही है ये आरबी। तो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने सुबह होते ही पूजा कर दी, तब मैं सो रही थी, मम्मी ने तभी पूजा कर दी थी भगवान जी की, अच्छे से नहला धुला दिया है, पूजा कर दी है मम्मी ने भगवान जी की। और ये बैठी है हमारे भगवान जी, इनको हमने रात में बनाया था, भोले बाबा गौरा मैया और गणपति भगवान जी को रात में मिट्टी से बनाया था। और ये हमारा पिल्ला देखो, बहुत ही उदम करता रहता है दिन भर, इससे बहुत शरारत करता है ये लड़का। और ये अभी बैठा है, अभी अपना नहाकर खुद मेकअप कर रहा है। तो मम्मी हमारी पुआ बनाने लगी है मीठे, सबसे पहले छोटे छोटे मीठे पुए बना रही है पूजा के लिए। मम्मी ने गैस नीचे उतार कर रख ली है, क्योंकि वो खड़ी नहीं हो पाती है ज़्यादा, तो नीचे बैठ कर बनाएंगे मीठे पुए। तो फ्रेंड्स, सारी तैयारी हो चुकी है, ये मम्मी के मीठे पुए बन गए हैं और मंदिर को भी अच्छे से सजा लिया है पटाखा, भगवान जी को तीनों को स्थापना करा दी है मम्मी ने। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे भगवान जी, मिट्टी के भगवान जी हमारे कैसे लग रही हैं फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, सारी तैयारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम बड़ा बना लेते हैं हाथ में पहनने वाले। ये गड़े का ज्यादा महत्व होता है संताओं साथी साथी में। और ये देखो हमारा पिल्लू रुक रहा है, उदम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मोहल्ले की हमारी मामी आ गई है हमारे घर पूजा करने के लिए। तो हम जल्दी से हम अपने कड़े बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमने कड़ा बना लिया है और ये देखो सारी तैयारी हो चुकी है। और ये देखो हमारा पिल्लू भी बना रहा है साथ में। तो फ्रेंड्स, अब हमारी मम्मी पूजा करने लगी है। मेरी मम्मी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले गणेश जी का मम्मी ने मतलब पूजा किया है, फिर गौरा मैया का और भोले बाबा का। गौरा मैया को मावर लगा रही है मेरी मम्मी। तो मोहल्ले के सारे लोग आ गए हैं, तो पूजा होने लगी है फ्रेंड्स। सभी लोग महावर चढ़ा दें, फिर सब लोग महावर लगाएंगे। तो सभी लोगों ने महावर चढ़ा दिया है, अब सभी लोग महावर लगा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखो मेरी आरबी को महावर लगा रही है, ये हमारे मोहल्ले की भाभी है। और मम्मी तमन्ना को महावर लगा रही है, ये लड़की इन्हीं की बहन है,
मोहल्ले में भाभी रहती, उन्हीं की बहन है ये लड़की। अब मम्मी मुझे मावर लगा रही है। तो फ्रेंड्स सभी को मावर अच्छे से लग गया है। अब हमारी मम्मी रह गई है तो वो लगा रही है और मामी लगा रही है मावर। और ये देखो मोड़ी मोड़ा बहुत उदम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मावर आवर सब लग गया है। अब हमारी मम्मी कर रही है होम। तो ये देखो भोले बाबा ने और अमैया ने कितनी जल्दी होम लिया ले लिया है फ्रेंड्स। अब हम भी होम कर दें। चढ़ा दे हम अपनी चांदी की चूड़ी। तो अपने ससुराली भूल आए थे क्योंकि मुझे पता नहीं था हम इतने दिन रुकेंगे। तो मेरी चूड़ी ससुराल में ही रखी है। फ्रेंड्स पूजा हो चुकी है। अब मम्मी सुनाएगी संतान साथी की कहानी। संतान पत्नी व्यर्थ कथा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की समाप्ति को किया जाता है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों को संसारिक दुख कलेश दूर हो। पूजा हो चुकी है, पानी भी पड़ चुकी है। अब हम लोग कर रहे हैं आरती। भोले बाबा की आरती हो रही है। तो फ्रेंड्स संतान साथी की पूजा हो चुकी है। अब मम्मी मंदिर में चढ़ी हुए कचेरे बांट रही हैं और प्रसाद बांट रही हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमें नए नए वीडियो आ सके। तो अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।